जैसे कि आपने देखा कि कल भी एक बड़ा आंदोलन जो था जम्मू की सड़कों पे देखने को मिला, जहां पे जम्मू संभाग की तमाम डिस्ट्रिक्ट के डेली वेजर यहां पे पहुंचे हुए थे। आज इन्होंने अपने दफ्तरों पे लगा दिए हैं ताले। अब इन्हीं से बात करेंगे और सरकार का क्या कुछ इस तरफ रुख रहेगा उस पर भी बातचीत करेंगे। तो सर, आपसे जानना चाहूंगी, आज आपके दफ्तरों पे ताले भी आपने लगा दिए हैं, क्या कहेंगे? शुक्रिया आपका, आपके चैनल का। ऑफिस में ताले लगाए हमने, ऑफिस के रास्ते बंद हैं, बहुत कम स्टाफ ऊपर जा सका। और दूसरा, कल का जो प्रोटेस्ट है, कल के प्रोटेस्ट के बाद डे नाइट ये हमारा आंदोलन शुरू हो गया, प्रोटेस्ट से कन्वर्ट हो गया, अभी आंदोलन पे आ गया। और मजदूर, मजबूर मजदूर जाग चुका है अपने हकों के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे पिछले 20-25 साल से हमारे साथ साथ वो भी हमारे शोषण का शिकार हो रहे हैं। तो आज की डेट में हम घर से भी मजबूर हैं और अपने आप से मजबूर हैं। हम किसी भी हद तक जाएंगे बगैर पॉलिसी लिए, हम लोग वापस होने वाला नहीं है। सरकार चाहे तो इस आंदोलन को कुचलने के लिए हम लोगों को सबको टर्मिनेट कर दे, अदरवाइज ये आंदोलन अब खत्म होने वाला नहीं है। दिन दुगुनी रात चुगुनी तरक्की करेगा, दिन ब दिन हमारे साथी, रात को भी 1000-2000 साथी हमारा यहीं पे था। इस गर्मी के मौसम में आज भी आप देख रहे हो सभी साथी पूरे जोश से डटे हुए हैं। और ये कोई भूल जाए, चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर है, ये भूल जाए कि हमें कुचलें, कि हमें दबाने की कोशिश करेगा, दबने वाले नहीं है, ना बिकने वाले हैं और ना जुल्म सहने वाले। पूछना चाहूंगी कि गरीबों के पैसे हैं, गरीबों तक पहुंचने ही चाहिए, वो भी अपनी मेहनत नामा है, फिर भी सरकार नहीं दे रही है, आखिरकार क्यों? टैक्स तो हर कोई देता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, पर उसके बावजूद भी इनकी सैलरीज क्यों नहीं एनहांस की? बड़ी अफसोस की बात है, पहले भी जितनी सरकारें रही प्लस एलजी प्रशासन, इन सब लोगों ने हमें गुमराह किया है। इनकी साजिश रही है कि डेली वेजेस से फ्री में ये काम लेंगे और पैसा नहीं देंगे। बड़े से साथी हमारे ये वो अभी रिटायर हो गए 60 साल के बाद सेवा देने के, 25-30 साल उन्होंने लोगों ने डिपार्टमेंट में सेवा दी है, उनको रिटायर कर दिया बिना कुछ दिए, और बड़े से साथी सुसाइड भी कर गए। अगर हमको 5 साल के बाद खाली हाथ ही घर जाना, तो क्यों ना 5 साल हम ये युद्ध जारी रखें? अब हमारा ये युद्ध लगातार चलने वाला है, जब तक हमारे साथ ये हमारा इंसाफ नहीं करेंगे। 70-70 महीनों का हमारा पेंडिंग वेजेस है, वो क्लियर नहीं करते। और एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी जो कि जिसका टाइम पीरियड 7 साल का रहता था, मगर आज 30 साल होने के हो गए हैं, इन्होंने कोई भी रेगुलराइजेशन पॉलिसी फ्रेम नहीं की। तो सभी पार्टियों को ये चेतावनी है, अगर हमारे गरीब और मजदूर लोगों की आवाज को वो बुलंद करना चाहते हैं, तो एलजी साहब के पास जाके वो जोर शोर से हमारी बात को उठाएं, वरना जे मजदूर, जे मजलूम सड़कों में दर बदर की ठोकरें खा रहा है और खाता ही रहेगा। सर, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आखिरकार गरीब कब तक पिसता रहेगा? सरकार क्यों नहीं सुन रही? कल का आंदोलन देखने के बाद घर घर का बच्चा बच्चा बैठ के भी रोया था, जो हालात हमने बुजुर्गों के देखे, बाकी के तमाम डेली वेजर जो कि अपने परिवार का हवाला देके सरकार को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कह रहे हैं, अभी तक सरकार ने मुद्दे पे गौर नहीं किया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं गुलिस्तान आपकी टीम का और आपका और आपके माध्यम से मीडिया के हर एक उस शख्स का जो मजदूर की आवाज़ जो है आला हुक्मरानों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए मैं शुक्रिया करता हूं। ये जंग का आगाज है, पिछले 22 जून से पूरे जम्मू प्रोविंस में पीएचई एम्प्लाइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले मेरे जितने भी डेली वेजर साथी हैं जो है टोल डाउन स्ट्राइक पे बैठे थे, और निरंतर सरकार तक जो अल्टीमेटम कह लूं, मैसेज कह लूं, बाई मेमोरेंडम कह लूं, रिटर्न कह लूं, बाई मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हर तरीके से मैसेज पहुंचाया गया कि मजदूर जो है वो संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहा है, और बिल्कुल जो कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है मजदूर को कि जब उसे हक नहीं मिलेगा तो वो हथियार छोड़ के हाथ खड़े करेगा। हमने वही उसी लड़ी में जो है मेरे पीएचई के डेली वेजर साथियों ने हाथ खड़े किए थे, और उसी दिन से हम निरंतर प्रयास ये मैसेज पहुंचाने का कर रहे थे कि सरकार हमें मजबूर ना करे कि हम लोग जो है रोडों का रुख करें। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे डेली वेजर्स के द्वारा आज भी आंदोलन जो है वो जारी है, और सरकार को चेताया जा रहा है कि इनकी मांगों को जल्द से जल्द सुना जाए, उन्हें मारा जाए, उनका हल निकाला जाए, और साथ ही साथ तब तक आंदोलन ये खत्म नहीं होगा जब तक सरकार नींद से नहीं जाग जाती। आप देखते हैं इनका क्या कुछ हल निकाला जाता है और किस प्रकार से इन डेली वेजर्स को इनका हक दिया जाता है। जो भी रिपोर्ट्स रहेंगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, मैं रितिका राजपूत कैमरामैन गगनदीप के साथ, धन्यवाद। द बिस्ट्रो रेस्टोरेंट है, बच्चों ने खोला है, नेहरू ब्रदर्स ने खोला है, अच्छा है,
छोटे सेमी अर्बन एरियाज में, अर्बन एरियाज में छोटे छोटे रेस्टोरेंट हों, अच्छे हों, सस्ते हों। आजकल चाइनीज़ लोग, बच्चा लोग ज़्यादा पसंद करता है, तो हमारी बेस्ट विशेष नेक ख्वाहिशात इनके लिए, ये बरकत करे इनको, ये आबाद रहे रेस्टोरेंट भी, ये भी आबाद रहें और रेस्टोरेंट भी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। मेहनत करनी है, बाकी अल्लाह देने वाला। बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, कितना अच्छा कदम है। बहुत अच्छा है, और खाने पीने की चीज़ है, मतलब पेट भरने का सवाल, इससे पेट भी भरता है, रोज़गार भी मिलता है, तो अच्छा है। वैसे भी रिस्क जो है दुनिया में आया, अगर 10 हिस्से आया, 9 हिस्से तजारत में है, हम लोग 1% के पीछे चलते हैं, तो बेहतर है। ये सिर्फ अपने लिए रोज़गार नहीं पैदा करता है, अपने साथ और भी 3-4 लोगों के लिए, जितनी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा ये खुद रोज़गार मुहैया करवा सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत नौकरियों के पीछे दौड़ना। और आजकल के ज़माने में नौकरी मिलना मुश्किल है, और इस हुकूमत में तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है और मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ, पोशकर बर्नबो का रहने वाला हूँ। हमारा मसला ये है जनाब कि इस रोड का मसला जो है वो हम चंद सालों से देख रहे हैं। जब भी मरम्मत की बारी आती है तो असल रसूख वाले ठेकेदार इसमें ठेका लेते हैं, और उन्हें ना कोई पूछने वाला होता है, ना वो किसी की सुनते हैं, अपनी मन मानी मर्जी पर वो इस रोड का काम करते हैं। उसके बाद मसला ये है जनाब, जो हमारे रहनमा हैं, जो वोट लेने वाले हजरात हैं, उनके दावे, उनकी ज़बानें और उनका जो वो कहना होता है वो सिर्फ वोटों तक महदूद होता है, उसके बाद हमें उनका चेहरा भी नज़र नहीं आता है। अगर कोई बेचारा चला भी गया उसके बाद तो उनका यही जवाब होता है कि आइंदा हमें वोट ना दें। बहरहाल वो जाने और अल्लाह जाने, ये हमारे हुकाम जो हजरात हैं इनको सोचना चाहिए, इस रोड का ख्याल रखो। इस पर आमदराफ्त में बड़ी दिक्कत आती है, सवारियां परेशान रहती हैं, सुबह से बीमारों को लेकर खड़े रहते हैं, लेकिन दूसरी बात यह कि बड़ी गाड़ी का बंदोबस्त यहाँ किया जाता है, चंद सोमें होती हैं, यहाँ सोमों डालते हैं और उनकी भी छतों पर सवारियां होती हैं। इसलिए हमारी यही गुजारिश है, डीडी साहब हैं या जो भी हमारे, आज तो हम उन्हें पहचानते नहीं, उस वक्त हमने उनको देखा था, आज हमें अरमान है कि एक बार हमें वो मिल जाते हैं, काश हम इतना वादा याद दिला देते, लेकिन अल्लाह ताला से पहले रुजू करते हैं कि अल्लाह उनके दिल में ये बात डाले और इन गरीबों पर, ताकि वो भी इंसाफ। 12 साल गुजरने के बाद भी कंगन नारानाग रोड नहीं बन सका। 1 साल से लोगों ने दाद विदाद लगाए थे कि हमारे रोड पे मरम्मत किया जाए, लेकिन 1 साल से आज तक वांगत से लेकर कंगन तक, नारानाग तक जो लोग हैं वो दाद विदाद लगाते हैं कि हमारे रोड पे काम नहीं होता है। लेकिन आखिर क्यों ये नाइंसाफ़ी? गांधरबल एडमिनिस्ट्रेशन या PMGSY डिपार्टमेंट के लिए बड़ा सवाल है। 3 डिप्टी कमिश्नर चेंज भी हुए, लेकिन कंगन से लेकर नारानाग तक रोड आज तक ठीक नहीं हुआ। रोड की हालत इतनी खराब है कि आप ड्राइवर भी शायद गाड़ियों को घर में रखेंगे, चाहे लोग हो, चाहे इलेक्टेड लोग हो, चाहे लीडरान हो, सब ये कहते हैं कि हम हर जगह आवाज देते हैं, लेकिन शायद ही सुनने वाला कोई है। लेकिन आज लोगों ने ये सवाल तो LG साहब के पास पहुंचाने के लिए कहा है। आने वाले वक्त में ये जरूर होना चाहिए कि कंगन नारानाग रोड अब ठीक होना चाहिए। कैमरामैन मजीद के साथ सलीम वानी, गांधरबल, कश्मीर। जिला पुलिस सांबा को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि जिला पुलिस सांबा के घगवाल पुलिस टीम ने एक बार फिर से पशु तस्करी के प्रयास को विफल करते हुए 14 बेजुबान पशु की जिंदगी बचाई है और एक पशु तस्कर की गिरफ्तारी की है। ये पशु तस्कर, जिसकी पहचान रफकत अली के रूप में हुई है, जो सुरुईसर इलाके का रहने वाला है, बताते चले कि ये जो पशु तस्करी का प्रयास विफल किया गया है, यहाँ बताया जा रहा है कि पानी सप्लाई की आड़ में ये पशु तस्करी का प्रयास किया जा रहा था और जिस प्रयास को घगवाल पुलिस टीम ने विफल कर दिया। बताते चले कि ये ट्रक जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसका नंबर भी मैं आपको बता दूं, ये जम्मू बेस्ड ट्रक है, JK02AQ2395। ये ट्रक जो कि कठुआ साइड से आ रहा था और ये कश्मीर घाटी की ओर जा रहा था और
गगवाल पुलिस टीम को अपने सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली, उसी जानकारी के आधार पर गगवाल पुलिस टीम ने इस ट्रक को टप्याल नाका पॉइंट पर रोका। ये ट्रक रुका नहीं, ये आगे चला गया और पुलिस पार्टी ने इसको चेस किया और टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस ट्रक को धर दबोचा। और जब इसकी चेकिंग की तो चेकिंग के दौरान पाया गया कि पानी सप्लाई की आड़ में यहाँ पशुओं को अंदर क्रुएल्टी से जालिमाना तरीके से बांधा हुआ था और उन्हें इल्लीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था कश्मीर घाटी की ओर। और पुलिस ने मौके पर ही इस स्मगलर को भी गिरफ्तार कर लिया, जो स्मगलर रफकत अली सुरुईसर इलाके का रहने वाला है। पुलिस इससे लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूछताछ कर रही है कि कहां किस इलाके से ये जो पशु हैं ये लाए गए हैं और कश्मीर जिस तरह से ये लेकर जाया जा रहा था। तो पूरी इसमें इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने शुरू कर दी है। ये ट्रक आपने देख लिया, पुलिस ने 188 आईपीसी धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन एक बार फिर कहूंगा कि लगातार जो पशु तस्करी के प्रयास हमें देखने को मिल रहे हैं तो एक चिंता का विषय बना हुआ है। अब मैं आपको ट्रक का हिस्सा दिखाना चाहता हूं। देखिए ट्रक के यहां पर एक जो कैविटी रहती है, जो आप डोर देख रहे हैं, ये हर एक ट्रक में आपको देखने को मिलेगा। और देखिए कितनी चलाकी से यहां पर पानी की सप्लाई जो है वो की जा रही थी। आप देख रहे हैं कि पानी का मटेरियल यहां पर पूरा रखा हुआ, क्रेट रखे हुए हैं। यहां अगर नाका पॉइंट पर ये ट्रक रोक भी ले पुलिस, तो पुलिस को यही लगे कि इसमें पानी की सप्लाई आगे जा रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए बेवकूफ बनाने के लिए यहां जो ये पूरा डंप किया हुआ है पानी का, ये जो पूरा क्रेट आप देख रहे हैं, तो ये देखकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि इसमें तो पशु तस्करी नहीं की जा रही। अब मैं आपको ट्रक का पिछला हिस्सा भी दिखाना चाहता हूं। देखिए कितनी चालाकी से इस तस्करी के प्रयास को सरंजाम पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी तस्कर द्वारा। अब आपको ये जो पिछला हिस्सा दिखा रहा हूं, यहां से भी आप देख सकते हैं कि जो कैविटी में आपको बाहर से दिखा रहा था वो कैविटी आप यहां से भी देखें। मेरे सहयोगी आपको एक पैन करके दिखाएंगे, ये कैविटी आप देखिए साफ तौर पर, इसी के अंदर पानी का जो क्रेट रखा हुआ है वहां से देखकर लग रहा है कि पशु तस्करी नहीं हो सकती। अब आप ये साइडों पर जो एंगल देख रहे हैं, यहां पर भी एक एक पानी की बॉटल जो वो रखी गई है ताकि बाहर से भी अगर किसी पुलिसकर्मी की या किसी नाका पॉइंट पर नजर जाए तो वो ये सोचे कि ये पानी की सप्लाई जा रही है। लेकिन अंदर जो रेत पड़ी हुई है, तमाम ये जो रस्सियां बांधी हुई है, तो इन रस्सियों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी क्रुएल्टी से जालिमाना तरीके से पशुओं को बांधा हुआ था और उन्हें कश्मीर घाटी को ले जाने की कोशिश की जा रही थी। और पुलिस को जो इनपुट था उसी इनपुट के आधार पर पुलिस ने काम किया और इस ट्रक को धर दबोचा। जो जम्मू नंबर ट्रक, ये जो कठुआ साइड से आ रहा था और कश्मीर घाटी की ओर जा रहा था, ये समुदाय विशेष का जो रहने वाला ताल्लुक रखने वाला ये जो स्मगलर रफकत अली, इसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बड़ी चेन काम कर रही है, पुलिस को इस चेन को लगातार एक्सपोज करना होगा। पुलिस लगातार एक्सपोज भी कर रही है, जब भी पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली है पुलिस ने उस इंफॉर्मेशन के ऊपर काम किया है और पशु तस्करी के प्रयासों को विफल किया है। कोई ऐसा खाली दिन नहीं जाता जब पशु तस्करी के प्रयास हमें देखने को नहीं मिलते, यानी ये पशु तस्कर लगातार धरल्ले से ये तस्करी कर रहे हैं। पुलिस को भी कई बार चकमा देकर ये नाका तोड़कर जाते हैं। कई बार हमने देखा कि हाईवे के अलावा जो दूसरे रूट्स हैं, अंदरूनी रूट्स हैं बॉर्डर की तरफ जाने वाले, वहाँ से होते हुए ये हाईवे तक पहुँचते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि हमारे नाका पॉइंट जितने भी हाईवे पर हैं वो अलर्ट मोड पर है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस ट्रक की जो हालत मैंने आपको बताई, ये जम्मू नंबर ट्रक कैविटी बनाई है, पानी की सप्लाई में आड़ में यहाँ पर स्मगलिंग की जा रही थी पशुओं की। और पीछे जो हिस्सा मैंने आपको दिखाया, तो यहां पशु तस्कर एक्सपोज हो चुके हैं, हर हथकंडा उनकी तरफ से अपनाया जा रहा है पशु तस्करी के प्रयास को सरंजाम पहुंचाने के लिए, लेकिन ये एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन एक बार फिर कहूंगा कि लखनपुर प्रवेश द्वार जो जम्मू कश्मीर यूटी का है, वहां से गाड़ियां किस तरह से एंटर कर जाती हैं, क्यों वहां पर चेकिंग बड़े स्तर पर नहीं हो पा रही, क्यों वहां पर स्कैनर्स नहीं इंस्टॉल किए गए हैं, अगर ये सारी चीजें वहां पर हो तो फिर गाड़ी यहां ना आ पाए, ये एक सुनिश्चित चीज हो जाती है। लेकिन ये एक क्वेश्चन मार्क भी है सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि इस तरह से कोई भी गाड़ी एंटर कर सकती है अगर उसकी चेकिंग नहीं हो। हो सकता है हथियारों की खेप हो, नशे की खेप हो या पशुओं की खेप हो, जिस तरह से ये पशु तस्करी के प्रयास को विफल किया है। लेकिन पुलिस पार्टी अगर गगवाल की बात करते हैं, जिला पुलिस सांबा की, तो उनको जो इनपुट था उस इनपुट के आधार पर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान इस ट्रक को पकड़ा और टेक्निक के इस्तेमाल करते हुए इस ट्रक को धर दबोचा और ये 14 बेजुबान पशु जो है ये बचाए गए हैं इनके चंगुल से स्मगलर्स के। और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया 188 आईपीसी धारा के तहत, आगे इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी है। गिरफ्त में है पुलिस की ये स्मगलर और इससे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस नेक्सस को तोड़ना होगा, ये नेक्सस लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको एक्सपोज करना होगा और कानून में प्रावधान लाने होंगे। देखिए ट्रक तो पकड़ लिया, अब सीज हो चुका है, लेकिन ये ट्रक रिलीज हो जाएगा, इसलिए कानून में प्रावधान ऐसे लाए जाएं कि ये ट्रक भी रिलीज ना हो और जो स्मगलर पकड़े जाते हैं उनकी बेल भी ना हो, तब जाकर कहीं स्मगलिंग के प्रयास पूरी तरह से बंद होंगे। तो ये बड़ी कामयाबी जिला पुलिस सांबा की गगवाल पुलिस टीम को हासिल हुई है, जिन्होंने पशु तस्करी के इस बड़े प्रयास को विफल कर दिया है और एक पशु तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगरण 247 न्यूज के लिए।
जगह 24/7 के सोशल मीडिया हैंडल पे आपका खैर मकदम है और मैं आपके साथ मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, इस वक्त मैं शोपियन के टाउन में हूँ और शोपियन का एक ही टाउन है। आप जानते हैं कि शोपियन डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक टाउन है और इस एक टाउन के पीछे कितने ट्रेड, कितने दुकानदार, कितने सामाजिक कारकुन और सियासी कारकुन पीछे लगे हैं कि इस टाउन की ब्यूटिफिकेशन को लेकर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जितनी भी खामियां हैं उनको पूरा किया जाए, ड्रेनेज का सिस्टम हो, मैग्नमाइजेशन का सिस्टम हो, खूबसूरती या ब्यूटिफिकेशन के लिहाज से जो भी चीज़ चाहिए वो एक टाउन अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो बदकिस्मती से हम इसको तैबीर करेंगे, क्योंकि हर एक ज़िला में कम से कम 2-3 टाउन तो होते ही हैं, लेकिन ज़िला शोपियान एक पहाड़ी ज़िला है और एक पहाड़ी ज़िले में एक टाउन है, वो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पा रहा है बदकिस्मती से। इस वक्त मैं मेन टाउन शोपियान में हूँ और गोल चौक के पास ही हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैग्नमाइजेशन का काम जो है वो स्टार्ट हुआ है अभी। दरअसल हमारी लाइव सेशन का और लाइव प्रोग्राम का यही मकसद है, ग्राउंड जीरो से हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मैग्नमाइजेशन करने में और इसके खिलाफ जो है ट्रेड और कुछ दुकानदार हजार जो हैं वो बाहर निकले हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि वो आप दिखाएं किस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ट्रेड और दुकानदार, चाहे वेंडर्स की बात करें, तमाम यहाँ पे हैं और R&B डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है हाई हाई के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि ये इन लोगों का कहना है कि जो मैग्नमाइजेशन का काम यहाँ पे हो रहा है इस तरीके से नहीं होना चाहिए। क्योंकि हालांकि हमने भी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के एक सुपरवाइजर से बात की तो उनका कहना है कि क्वांटिटी हमारे पास काम है, टोटल 2000 स्क्वायर मीटर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ के दुकानदार हजरात जो है इनका कहना है कि अगर क्वांटिटी कम है इससे हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन अगर हमें गिला है, अगर हमें शिकवा है, वो इस चीज़ से है कि इनको स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करना था और एंड जहाँ तक पहुँचता वहाँ तक एंड करना था। आप देख सकते हैं, पहले हम आपको दिखाएंगे कि इन्होंने कौन सा खिलवाड़ यहाँ पे किया है। खिलवाड़ी बोल सकते हैं, या तो ये अपना जो टेंडरिंग या ड्रामा, जो कागजी फॉर्मेलिटीज हैं वो भी आप बता सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये जो है यहाँ पे मैग्नमाइजेशन ही पैचिंग की गई है एक तरफ से हम बता सकते हैं, क्योंकि अगर मैग्नमाइजेशन का किया होता तो तमाम जो रोड है उस पर इन्होंने करनी थी। लेकिन आप देख सकते हैं ये गोल चौक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा मैग्नमाइजेशन यहाँ पे किया है और वो वाला पोर्शन जो है जो आप सामने देखते हैं उसको छोड़ दिया है, और ऊपर की साइड में जो मेन गोल चौक की तरफ जामा मस्जिद की तरफ रास्ता जाता है वहाँ पे भी इन्होंने मैग्नमाइजेशन नहीं किया है, वो पोर्शन भी छोड़ दिया है। हालांकि ये दुकानदार जो है इनका कहना है कि अगर मैग्नमाइजेशन करना था तो इस रोड को, क्योंकि ये टाउन है, ब्यूटिफिकेशन में बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जब आप आधे हिस्से में करते हैं और आधा हिस्सा छोड़ देते हैं, इसकी वजह से जो है खूबसूरती जो टाउन की है इस पर बहुत बड़ा असर पहुंचता है। इस साइड में मैग्नमाइजेशन होना चाहिए था, जहां तक रोड है, जहां जिस स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक है वहां तक मैग्नमाइजेशन होना चाहिए था। चलिए, मजीद जानकारी के लिए हम यहाँ के एक ट्रेड और एक कारोबारी हजरत से बात करते हैं, इनसे जानेंगे कि आपकी क्या डिमांड है और क्यों आप नाराज हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जिस मार्केट में आप ही मैग्नमाइजेशन कर रहे हैं पूरी करो, जितना भी रोड है चाहे 50 फुट खुला है चाहे वो जितना है पूरी करो, जितनी भी मार्केट में हो जाएगा वो ठीक है। अगर काम ही पीछे से आया है इसके लिए, लेकिन जिस मार्केट में आप ये मैग्नम डालोगे वो पूरा डालना चाहिए। इन्होंने क्या कहा है आप जब R&B डिपार्टमेंट से बात की? इन्होंने कहा कि हमें डालना है, थोड़ा कहीं एक जगह वो जो खड़ा है वो बंद करेंगे, बाकी कुछ नहीं किया है। आप चाहते हैं कि ऐसा हो? हम चाहते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे हमें नहीं चाहिए। लगातार R&B के खिलाफ जो है यहाँ नाराबाजी हो रही है, क्योंकि जो मैग्नमाइजेशन किया है ये नाकाबिले कबूल है और इनकी मांग है कि इसको पूरा प्रॉपर तरीके से मैग्नमाइजेशन किया जाए, करना चाहिए था। ऐसी ड्रामाबाजी हमको नहीं चाहिए। अगर और किससे बात करेंगे? इससे बात क्या बात है? सर देखिए, यहाँ पे आज भुट्टू चौक में मैग्नमाइज हो रहा था, मगर आप देख रहे हैं दुकानदार अभी सभी परेशान है और DC साहब से मैं अपील कर रहा हूँ कि यहाँ पे आइए, अभी ये आप लाइव देख रहे हो, यहाँ पर मेहरबानी कर ले आए, दुकानदारों का मसला है और ब्यूटिफिकेशन टाउन है, यहाँ पे आप देख रहे हो एक साइड मैग्नम है दूसरी साइड नहीं है, ये तो सरासर नाइंसाफी है। आपको क्या लगता है ये ड्रामा किया गया या ऐसे टाउन वालों के साथ ड्रामा है? ये टाउन से पहले भी मैग्नमाइज हुआ है, इससे पहले 6 साल पहले भी मैग्नम डाला गया है या फिर 5 साल पहले, उस वक्त जहां तक जितनी वीडियो थी वो प्रॉपर उस तक डाला गया, लेकिन अभी देखते हैं कहीं हिस्सा छोड़ दिया गया, कहीं डाल दिया गया। आपका क्या कहना है इस हवाले से और R&B क्या कहती है? अगर इनके पास उतना ही बजट था, इनको पहले करना था, एक साइड करना था, कम से कम पूरा करना था,
मगर इनने ड्रामा किया, एक साइड नहीं किया, या तो इनको वापस उठाना है या तो पूरा करना है। आप क्या चाहते हैं? बस मैं चाहता हूँ या पूरा सड़क हो जाए। शुक्रिया। ये ट्रेड वेंडर के जन सेक्रेटरी थे, इनका कहना है कि इसको जो है पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से पूरा जो है मैग्नमाइजेशन होना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि गोल मार्केट के हम पास है, बिल्कुल जामा मस्जिद की तरफ ये रोड जाती है और इस चौक में जो है मैग्नमाइजेशन का इस पार्ट से काम स्टार्ट किया गया है। और आप देख सकते हैं कि कहां कहां जो है इन्होंने ऐसी स्पेस छोड़ दी है बिना मैग्नमाइजेशन के। हालांकि इनका ये भी कहना है जितना मैग्नमाइजेशन होना चाहिए था, ये मुश्किल से 1 इंच या 1.5 इंच के आसपास जो है मैग्नम डालते हैं। ऊपर से ये कहा और दूसरी बात ये भी कहा इन्होंने कि ना तो कोई ड्रेनेज का सिस्टम है, ना तो कोई ड्रेनेज का सिस्टम है और ना ही प्रॉपर तरीके से कोई काम किया गया है। अब जनरल सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, उनसे हम रियाज साहब हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। रियाज साहब, आज आपने पूरा मान एहतजाज R&B के खिलाफ निकाला है, बहुत सख्त नाराजगी देखने को मिली है, चाहे दुकान हाजरात हैं चाहे ट्रेड की ओर से, सब बाहर निकले क्योंकि आप सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है इस इकदाम से जो इकदाम R&B जो। बिल्कुल, हम यही कह रहे हैं कि मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि ये कह रहे हैं कि हमारा जो अलाटेड जो है वो क्वान्टिटी कम है। हम कह रहे हैं कम है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर कम है तो उतना ही कीजिए, जितना भी आप करोगे पूरा करो, आधा अधूरा नहीं। देखिए यहाँ पानी आएगा ऊपर से, मुझे बताइए कहाँ जाएगा, जमा हो जाएगा। इससे बेहतर है ना कि हम अगर 500 फुट ही करते हैं, 1000 फुट ही करते हैं, लेकिन वो मुकम्मल करें। ये मेन रोड तो है नहीं, मार्केट है, मार्केट में रोड तो होता नहीं, मार्केट में किसी जगह 50 फुट विड्थ है, किसी जगह 20 फुट, हमें 50 के 50 कवर करने हैं वही मार्केट। तो ये हमारे साथ थे चेयरमैन ट्रेड फेडरेशन शोपियान के रियाज साहब, जिन्होंने कहा कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को इकदाम उठाने चाहिए थे और किस तरह से प्रॉपर तरीके से जो है मैग्नमाइजेशन का काम जो है इस टाउन में करना चाहिए। क्योंकि एक तरफ से अगर देखें तो म्यूनसिपलिटी की ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से ये कहा जाता है कि ब्यूटिफिकेशन को लेकर कोई कम्प्रोमाइज नहीं होगा और जितना चलेगा टाउन को ब्यूटीफुल बनाया जाएगा, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो R&B ने जो काम किया है इससे ब्यूटिफिकेशन पे बहुत बड़ा असर पड़ा है एक तरफ से हम देखें, क्योंकि आधा साइड करना और आधा साइड ऐसे छोड़ देना ये बिल्कुल जो है इनको कबूल नहीं है। जो ट्रेड है या यहाँ के जो मकामी यहाँ के जो दुकानदार हजरात हैं, इनका साफ साफ कहना है कि हमें ये मैगडम नहीं चाहिए, इसे ना डालना ही बेहतर था। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ऐसे इकदाम ना उठाए जिससे ब्यूटिफिकेशन पे भी असर पहुंचे और यहाँ के मकामी जो लोग हैं वो गुस्से में ना आए, नाराजगी उनमें पैदा ना हो। तो हम अपने लाइव सेशन के जरिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर R&B से गुजारिश करते हैं कि जहाँ तक आपने ये पोर्शन कंप्लीट किया है, उम्मीद करते हैं कि आप ये पूरा पोर्शन जो है वो कंप्लीट करेंगे ताकि यहाँ के मकामी लोग, मकामी दुकानदार जो हैं वो ज़्यादा मुश्किलों का उनको सफर ना करना पड़े, मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। JK247 के लिए शोपियां से मोहम्मद आसिफ। जहाँ सरकार की तरफ से एजुकेशन डिपार्टमेंट के हवाले से मुख्तलिफ कदम जो उठाए जा रहे हैं, वही क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ अगर हम स्कूलों की बात करें तो मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम या एनरोलमेंट ड्राइव भी चलाई गई ताकि गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा रोल जो है वो पाया जाए और यहाँ पर गरीब बच्चों को जो है अच्छी और बेहतर तालीम मिल सके। लेकिन जब आज हमने गवर्नमेंट स्कूल चंदीलोरा का दौरा किया तो यहाँ पर स्टाफ की कमी पाए जाने के बाद जो है यहाँ पर बच्चों में काफ़ी गुस्सा जो है देखने को मिला। वहीं यहाँ पर स्टाफ की कमी की वजह से यहाँ पर बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। जब हमारे यहाँ पर बच्चों से बात हुई तो उन्होंने सरकार के खिलाफ जो है सख्त नाराजगी का इजहार किया। वहीं उन्होंने फौरी तौर गवर्नर इंतजाम से मुतालबा किया कि स्कूल में जो जल्द जल्द जो है स्टाफ की कमी जो है वो कहीं ना कहीं बराबर कर देनी चाहिए ताकि हमारे साथ जो है कोई खिलवाड़ ना हो सके। तो फिलहाल आपको सीधे चंदीलोरा ले चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ पर क्या करें स्टूडेंट्स इस हवाले से। मैं गवर्नमेंट बॉयज मिडिल स्कूल चंदीलोरा में पढ़ता हूँ। हम गरीब बच्चे हैं, सुबह पढ़ने आते हैं और यहाँ पर हमारे सब टीचर ट्रांसफ़र किए जाते हैं और यहाँ हमें टीचर चाहिए और हम अगर हम पढ़े अगर हम यहाँ पर आए हैं पढ़ने के लिए हमारा मुस्तकबिल खराब होता है। प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं और हमें क्लास नहीं मिल पा, नौ टीचर की वजह हम 2 क्लास पर पढ़ते हैं या 3, कभी कभार हम क्लास ही नहीं पढ़ पाते। सारिश है हमारी तरफ तवज्जो दें, हम इससे हमारा मुस्तकबिल ठीक रहे।
کہ ٹیچر کہین زر زر ٹیچر تمے پرنا منظور صوبہ اس کرنا دو رت پہ کر تم کمبائن کلاس پہ پرن پہ ٹیچر یور وا سارے پیرنٹن وان تھی تر گورمنٹ سکولن من مگر یہ پہ ملان اہن امت پریویٹ سکول اصل تھی ہکو پہ نو کلاس ٹیچر پرائمری أڑس بیس مڈل زرے زیادہ پرائمری مڈل پرائمری پتہ پرائمری کن سات پہ پرن مگر یہ پہ پرن صبح تمہیں لوگ ٹرانسفر کرنے مگر نا پھر مگر اہم گورمنٹس کرنا اپیل کہ دیو ٹیچر نو کلاس نو کلاس مجھے زو کلاس دن سات اکوی ٹیچر دیا کمبائن پیوا کر اکہ بج پہ نوئی بج پہ اکس بج تام اکہ بج پہ ثور بج تام زی کلاس پہ ام خود پریویٹ سکول اصل پریویٹ سکول من اصل پہ اچھا تعلیم ملان خاص کہ بہت گزر اچھا گھن ٹیچرس پھر برہ پکن ٹیچر اخ ٹیچر سو منظور سر اس کمبائن کرنا یس اکہ بج تام تمس تک کوٹ زڈ آرڈر دس تھی گھو بیس سکولس مس کس پہن تعدال یپر تھی پہن سانے پیرنٹن تھی پہن گورمنٹ سکولس مجھے بچے یل نا تعلیم ملے تو اڑ لو پہ گمت پڑو ٹیچر تروہ ٹوٹل ست ست ٹیچر اڑ گ لو پہ مڈل سکولس مزے ٹیچر ٹیچر ڈمانڈ سرکار ٹیچر گورمنٹ بایز مڈل سکول چندر لورا پہ سنس سکولس مجھے ٹیچر اس دیو ٹیچر اہس ٹیچر اس گو ڈوڑ رت کمبائن کر اہس ٹیچر اس ٹیچرن ہن ضرورت اس دیو ٹیچر مڈل سکولس ٹور ٹیچر تمہن مز تک اکس ٹیچرس ٹرانسفر منظور سر بیس یہ بوڑھ اس کیا کرو اہس ٹیچر آسان ٹیچر سائنس گو تر رت پنس ٹیچری سائنسس اس بوڑھ ایٹتھک کرو یہ سر سہ اوڑ دہ دان ثلن اوڑ دہ یہ وکس کرو ٹرانسفر بیاکھ سر دن اردو ہایر سیکنڈری اوڑا دن یہ تین سب پہ دہی کر کمبائن گھر تم سب تک ہاں سورے سبق پڑھ کچھ ایٹتھ کا سیونتھ من بورڈ ہاں پڑھ کی گزارش کر ٹیچر ملے یہاں پر اسٹرنگتھ ہے 10 اسٹاف کی 10 ٹیچرس کی مگر 3 آتے ہیں باقی کہاں گئے وہ گورنمنٹ جانتا ہے اور زاڈیو صاحب جانتے ہیں کیونکہ ان 3 میں سے بھی 2.5 ہی آتے ہیں کیونکہ آدھا جو ہے آدھا پہلے وہ جاتا ہے ہائر سیکنڈری سکول میں آدھے دن تک آدھے دن کے بعد اور زاڈیو صاحب نے ایک آرڈر نکالا ان 2.5 میں سے بھی ایک کو آج اور ایک ٹرانسفر کر دی لیکن افسوس کا مقام یہاں ہے یہاں 3 ٹیچر 9 کلاس کیسے دے سکتے ہیں آج بھی ایک آرڈر نکلا ہے لیکن ہم نے کئی بار زاڈیو صاحب ایس ڈی ایم صاحب تحصیلدار صاحب سے گزارش کی مہربانی کر کے ہم پہ انصاف کیجیے اگر ایسا حال ایسا نہیں ہوا تو ہم ان بچوں کو لے کے سڑک پہ نکلے احتجاج کریں گے اور جس کی پوری ذمہ داری گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر ایل جی گورنمنٹ پر ہوگی دیکھیے یہ آپ نے میری نوٹس میں لایا اور انشاءاللہ میں نے 2 اور ٹیچروں کا بندوبست کیا ہے وہ کل تک وہاں جوائن کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ سکول بھی سدھرے گا لیکن میں دیکھوں گا کہ کہاں پر کوتاہی ہوئی ہے کس کے ذریعے ہوئی ہے کہاں سے ہوئی ہے میں اس میں چھان بین کروں گا کرنی ہے یہ ہے ڈپلائمنٹ یا اس کی اٹیچمنٹ ہے اس کے بدلے میں نے ٹیچر کا ارینجمنٹ کر دیا ہے اس کے بدلے ٹیچر وہاں پر آئیں گے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہو جائے گی دوسرا جو ٹیچر ہلال احمد ہیں وہ ہائر سیکنڈری میں 11th اور 12th کے 2 پیریڈ دینے کے بعد وہ واپس مڈل سکول آتے ہیں اور وہاں پڑھاتے ہیں 2 ٹیچروں کو ڈپلائمنٹ آرڈر نکالی ہے انشاءاللہ کل یا پرسوں وہ وہاں پر جوائن کریں گے